अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ एक जगह पे, तो आज लेके चलते हैं बिलावल भाई को भी साथ। अटक की एक मशहूर चीज़ है, वो खाने जा रहे हैं, तो आप लोग भी दिखाते हैं वो चीज़। आप लोग हमारे साथ चलिए, इंजॉय कीजिए। तो यार, जाने से पहले आप लोगों से एक बात करनी थी कि आप लोग वीडियोज़ देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। यार दोनों काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आप लोग उसको देख सकें, आप एंजॉय कर सकें। तो चले फटाफट से चलते हैं बिलावल को लेते हैं और आइए चले हमारे साथ। तो हम आ चुके हैं बिलू की चाट पे। ये है जी बिलू की चाट। बिलू की चाट खाना है, अटक की मशहूर फ्रूट चाट है। तो बस चलते हैं फटाफट से अंदर और ट्राई करते हैं चाट। जी फ्रूट चाट का प्याला रेडी हुआ था और अभी हमारे पास आ चुका है, और बस अभी खाते हैं और आपको दिखाते हैं चाट कैसी है। ये बिलावल भाई हैं। बिलावल भाई रेडी हैं? अस्सलाम, रेडी चल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये देखे जो ऊपर क्या आ चुके हैं, व्हीकल आ चुके हैं फ्रूट चाट के ऊपर, और खाते हैं फटाफट से आपको दिखाते हैं। मजेदार ये आप यहाँ जिसने खानी हमारे साथ चाट। खाने आ जाए यार। चेक करिए, ड्राई फ्रूट से फुल लेस होती है इसमें, हर किस्म का ड्राई फ्रूट, फ्रूट आइसक्रीम। तो आप लाजमी आइए, तो यहाँ बिल्लू की चाट ट्राई कीजिए अटक की स्पेशल। अगर आपने स्पेशल बनवानी है चाट, तभी आपको उसका पता चलेगा जायका। तो फ्रूट चाट खा के फ्री हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की चाट थी। आप लोग लाजमी आए यहाँ ट्राई करें, मगर एक शर्त है, आपका पेट खाली होना चाहिए। खाना वगैरह खा के ना आना, खाने वगैरह आना, तो आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े की थी। तो जो अटक रहने वाले हैं, जो अटक के बाहर से आते हैं, जो बाहर से अटक आते हैं, कोई गेस्ट आता है अटक में, वो अपने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बोले जिसके घर आ रहा है कि हमें ब्लू, अरे कहना क्या चाहते हो, ब्लू की चाट खानी है, हमें वहाँ लेके जाएं, ठीक है। तो आपको मज़ा आएगा। तो चले इसी के साथ जाती है। जैसे ही हम वापस आए हैं घर, तो घर वालों ने कहा हम बना रहे हैं आज पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा क्यों नहीं आज आप लोगों के साथ ये पिज़्ज़े की रेसिपी शेयर की जाए। तो फटाफट से बनाते हैं पिज़्ज़ा।
और आप लोग बताते हैं कि घर का पिज़्ज़ा कैसा बनता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़ा बनाना इस तरह, उम्मीद आपको मज़ा आएगा। तो चलें फटाफट चलते हैं पिज़्ज़े की तरफ। फ्रूट चाट खा के वापस आ चुका था मैं, अगर आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग जब भी फ्रूट चाट खाने जाएं एक पेट खाली होना चाहिए मस्त, ठीक है, कोई खाना नहीं खाना, कुछ नाश्ता नहीं करके जाना आप लोगों ने। और दूसरी बात यह है कि जब भी फ्रूट चाट खाने जाएं तो स्पेशल खाएं। इसमें क्या है कि एक प्याला दो बंदे आराम से खा सकते हैं, ठीक है, 400 रुपये का एक प्याला है। तो इसमें ये होगा कि आप लोग इन्जॉय भी कर लेंगे सारी चीज़ें और दो बंदे खा भी लेंगे। अगर हर बंदा अपना प्याला मंगाएगा और 200 का 250 उसमें हर चीज़ नहीं डालते लोग। तो बताने का मकसद ये था कि अगर आप 200 का या 250 का प्याला लेंगे फ्रूट चाट का, तो आपको मे बी उसमें हर चीज़ ना मिले, चाहे ड्राई फ्रूट कम मिले या फ्रूट कम मिले, तो इसलिए आप हर चीज़ इन्जॉय नहीं कर सकते। लेकिन कोशिश करें 400 का स्पेशल या 450 का स्पेशल बड़ा प्याला होता है आप वो मंगाएं, ठीक है, तो आप लोग हर चीज़ इन्जॉय भी करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा खाने में। तो बस बताने का मकसद यही था। तो चलें पिज़्ज़े की चीज़ें रेडी हैं, पिज़्ज़े में कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी, क्या क्या डलेगा, ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो चलें, ये है कुटी मिर्च, ये चिली गार्लिक है, ऑलिव्स हैं, ये टमाटर हैं। अच्छा, टमाटर में से आप लोगों ने ना टमाटर इस तरह काटने, बीज निकाल लेने हैं, क्योंकि अगर टमाटर में बीज होंगे तो वो पानी छोड़ देते हैं। अच्छा, हमको सिखा रही है, ठीक है। उसके बाद ऑलिव ऑयल है, मशरूम है, चीज़ है हमारे पास, प्याज है, शिमला मिर्च है, ऑरिगेनो है। तो उसके बाद ये चिकन है, हमने मेरीनेट किया हुआ था तो इसको हमने पका लिया है, ठीक है। ये जो चिकन है ये नॉन स्पाइसी है और ये चिकन है ये स्पाइसी है। तो इसमें हमने डो भी बना कर रखी हुई थी, ये फूल चुकी है, तो बस जल्दी से पिज़्ज़ा रेडी करते हैं बनाना। तो आप लोग दिखाते हैं कि कैसे बनता है पिज़्ज़ा, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको चिकन ये वाला और डो ये कैसे बनती है, इसको कैसे मैरिनेट किया जाता है, डो कैसे बनती है, पूरी रेसिपी चाहिए अगर पिज़्ज़े की, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, आपको पूरी रेसिपी बताई जाएगी। मगर फिलहाल पिज़्ज़ा कैसे बनता है आपको वो दिखाते हैं जल्दी से, तो चलें। अच्छा, तो जो डो थी ना उसका हमने पेड़ा बनाया और इस पैन के ऊपर हमने पूरा इसको फैला दिया है। अच्छा, इसके नीचे हमने ऑयल लगाया है, ठीक है, ऑलिव ऑयल जो था ना इसके नीचे लगाया है, इस पेड़े के नीचे, ताकि ये जब बनते वक्त चिपके नहीं, ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम लोग ये सारी चीज़ें डालेंगे, तो चलें आपको भी दिखाते हैं कि क्या क्या डलता है इसके ऊपर। तो छुरी में, छुरी से इसको कट लगा रहे हैं डो को, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इससे डो और ज़्यादा फूलेगी नहीं, ठीक है। तो पहले हम लगाएंगे चिली गार्लिक, और अब ये पिज़्ज़े के सारी चीज़ें डाल ली हैं और पिज़्ज़ा रेडी हो गया है पकने के जाने के लिए इसके अंदर। तो हमने फ्लेम ऑन कर ली थी, ठीक है, नीचे से, क्योंकि पहले इसको नीचे रखेंगे, नीचे से पकेगा, फिर ऊपर फ्लेम ऑन करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर से पकेगा, तब उधर से चीज़ मेल्ट होगी। तो चलिए पिज़्ज़ा डालते हैं इसके अंदर। तो पिज़्ज़ा चला गया है पकने के लिए नीचे से, तो चलिए आप इसको बंद करते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। अब देखें इसमें साइडों पे ये बबल्स बन रहे हैं, तो मतलब पिज़्ज़ा पकने लग पड़ा नीचे से, और हमने इसके फ्लेम को स्लो कर दिया, तो बस वेट करते हैं नीचे पकने का, तो फिर इसके ऊपर से चीज़ मेल्ट करने के लिए ऊपर फ्लेम ऑन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और देखें पिज़्ज़ा कितना मज़े का बनता है इंशाल्लाह। तो नीचे से पिज़्ज़ा पक चुका है, अभी ऊपर ही फ्लेम ऑन कर दिया, तो अब इस पर चीज़ सारी जो चीज़ लगी थी मेल्ट होगी,
तो आपको थोड़ी देर में मिलते हैं पिज्ज़ा बनने के बाद। अच्छे इसके साइडों पे ऑयल लगेगा ताकि जगह रेड हो जाए, पिज्जे का कलर आ जाए, इसे ऑयल लग रहा है। तो पिज्जे पे कलर नहीं आ रहा था तो हमने पिज्जे का स्टेप बढ़ा दिया, थोड़ा सा ऊपर लेके पिज्जा बिल्कुल फ्लेम के पास। तो अब चीज़ भी मेल्ट हो रही है, देखें सामने आपको नज़र आ रहा होगा, और अभी कलर भी आएगा पिज्जे पे, आपको दिखाते हैं। तो आप देखें पिज्जे का कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो क्या यम्मी पिज्ज़ा बन रहा है। तो अगर खाना है तो फटाफट से पहुँचे। अच्छा तो अभी दूसरा पिज्ज़ा बनना स्टार्ट हो चुका है, और यह पिज्ज़ा बनाएंगे हम इसमें फ्राई पैन में, ठीक है। ये हम बनाएंगे चूल्हे के ऊपर, ओवन में डालते हैं, जिसके घर अगर चूल्हा ओवन नहीं है तो इस तरह भी बना सकता है। तो चले लेट्स सी। तो हमने अभी ये पिज़्ज़ा रख दिया है फ्राई पैन में चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे, ठीक है। ये अब नीचे से पकेगा तो फिर उसको ऊपर से कलर दे देंगे। इसके ऊपर अभी ढक्कन रख दिया है, ठीक है, ताकि इससे स्टीम बाहर निकले। तो हमने अभी फ्राई पैन रख दिया है अंदर उसके कलर देने के लिए, मर्जी होती है कलर देना चाहे या ना देना चाहे, फ्राई पैन में इस तरह बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। तो हमने ये पिज़्ज़ा निकाल के वहाँ से इसमें रख लिया था, थोड़ा सा नीचे से नहीं हुआ था तो वो हमने कवर किया उसको। तो जिसने खाना है आ जाए हमारे साथ खाते हैं। तो ये पिज़्ज़ा निकालते हैं, थोड़ी सी बोटी हो गई थी, कोई बात नहीं। तो पिज़्ज़ा मिले आए अंदर और रूम में, और अभी पिज़्ज़ा खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा, और जिसने खाना आया जाए, मुझे तो बहुत यम्मी लग रहा है और गर्म बहुत है। चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैसा बना है पिज़्ज़ा। मज़ेदार। यार कमाल हो गया, मजा आ गया, इतना टेस्टी। भाई साहब इसने खाना है आ जाए, यकीन करें। इसे खा रहा था मगर उस तरह इतना मजा नहीं आ रहा था। उसको करते हैं रोल, रोल करके गरम गरम। अल्फाज नहीं यकीन करें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा बना है। तो ओवरऑल पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का था, ठीक है। अगर आपको पिज़्ज़ा अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, ठीक है। और बाकी ये है कि चैनल को सब्सक्राइब मस्त कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेल आइकन क्लिक कर दें, तो आपको रोज़ जो भी नई वीडियो आएगी आपको मिलेगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।